सुबह उठते ही प्लूटो बहुत जोर जोर से भौंक रहा होता है। फिर मैं देखता हूँ कि प्लूटो की मोहल्ले वाली गर्लफ्रेंड को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं, तो इसलिए ही भौंक रहा होता है। फिर प्लूटो नाराज होकर बैठ जाता है और खाना भी नहीं खाता है। मम्मी काफी जबरदस्ती करती है खाने के लिए, फिर भी खाना नहीं खाता है। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है और मैं कैक्टस को लाता हूँ और प्लूटो के सामने कैक्टस को खाना खिलाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही कैक्टस नहीं खाता है तो उसकी पिटाई कर देता हूँ। कैक्टस की पिटाई देखकर थोड़ी देर में प्लूटो एकदम से खाना खाने लगता है। फिर दोपहर को जुपिटर और प्रिंसेस की लड़ाई हो जाती है। फिर मैं प्लूटो को रेफरी कर भेजता हूँ, लेकिन फाइट देखकर ये भी डर जाता है। फिर शाम को सभी की पार्टी हो जाती है, सभी को फुल पेट खाना खिलाकर प्लूटो में घूमने जाते हैं। रास्ते में डेजी को भी साथ ले लेते हैं। डेजी फिर अपनी कैटवॉक में चलती है। रास्ते में हमें ये डॉग दिखता है जो एक दुकान के बाहर बैठा होता है। ये बिल्कुल मरने की हालत में होता है, देखो इसकी कंडीशन। देखने में तो ये किसी ब्रीड डॉग का लगता है। इसको खाना खिलाकर मैं घर जाकर प्लूटो का दूसरा पट्टा उठाकर लाता हूँ और इसको पहना देता हूँ और इसका नाम ब्लूटूथ रख देता हूँ। ब्लूटूथ नाम बढ़िया है ना, और इसको अपने साथ ले आते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।